हेलो आंक्षा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। कल वाली वीडियो पर 2K लाइक्स हो चुके हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, पता नहीं क्यों पर इस चैनल पर बहुत स्लोली स्लोली सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। अगर आप लोग रेगुलर व्यूअर हो इस चैनल के तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, तो ज़्यादा बातें ना करते हैं और पार्ट टू शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेइंग को हॉस्पिटल में पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो वहाँ से घर आता है तो उसका वर्क में मन ही नहीं लगता, वो अपने बेड पर लेटा ही रहता है। कुछ टाइम बाद जब उसे भूख लगती है तो वो कुछ रेड बीन्स खा लेता है, पर उसके 5 मिनट बाद ही फिर से उसे काफ़ी सारी वॉमिटिंग हो जाती हैं। वेइंग जब अपने वर्क से वापस आता है तो वो वेइंग की ऐसी हालत देखता है। वो उसके दरवाजे पर नॉक करते हुए कहता है, वेइंग क्या तुम ठीक हो? वेइंग अपना फेस ब्लैंकेट में कवर करते हुए कहता है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है वेइंग, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा। वेइंग उससे कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। क्या तुम प्लीज़ मुझे अंदर आने दे सकते हो? वेइंग को पता था कि वेइंग बहुत ज़्यादा चिंता करता है। जब तक उसे नहीं पता चलेगा कि वेइंग को क्या हुआ है, वो यही बार बार घूमता रहेगा। वेइंग उससे कहता है, ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। वेइंग जैसे ही अंदर आता है वो वेइंग की हालत देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम डॉक्टर के पास गए थे ना, उन्होंने क्या कहा? वेइंग पहले तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, पर वो हंसी उसकी तुरंत रोने में कन्वर्ट हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो वेइंग से कहता है, रिजल्ट्स बहुत अनयूजुअल हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊँ। वेइंग कहता है, कैसे अनयूजुअल रिजल्ट्स वेइंग, तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो? वेइंग अब धीरे धीरे बेड पर बैठता है और वेइंग से कहता है, वेइंग, एक गहरी सांस लेते हुए वो उससे कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, पहले मुझे भी ये मजाक लगा था जब डॉक्टर ने मुझे बताया था। वेइंग शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम क्या हो? वेइंग उससे कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। कुछ टाइम के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखते रहते हैं, फिर वेइंग उससे कहता है, ये किसका बेबी है, वेनपेंग का? वेइंग अपना सिर पकड़ते हुए कहता है, नहीं वेइंग, यही तो प्रॉब्लम है, जब तुम और वेइंग कुछ महीने पहले आउट ऑफ टाउन थे और उस वेनपेंग ने मेरा दिल तोड़ा था, मुझे एक जेंटलमैन मिला था और मैंने उस दिन ध्यान ही नहीं दिया कि हम प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं। वेइंग उससे कहता है, वेइंग ये गलत है। वेइंग कहता है, हाँ मुझे पता है, पर अब मैं क्या करूँ, जो हो गया सो हो गया। मुझे पता है कि वो मेरा वर्स्ट आइडिया था। वेइंग अब उससे पूछता है, तो क्या अब तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो? वेइंग हंसते हुए कहता है, डेटिंग, उस दिन के बाद से मैंने उसे देखा तक नहीं है, वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, ये सब कुछ नहीं होने वाला था। वेइंग उससे कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? वेइंग कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है वेइंग, मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। कुछ टाइम बाद जब वेइंग भी वहाँ पहुँचती है, वो दोनों मिलकर वेइंग को भी सारा सच बता देते हैं। वेइंग उससे कहती है, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, वो भी ये मालूम होने के बाद भी कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो। अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कितना टाइम हो चुका है? वेइंग कहता है, एग्जैक्टली तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है 2 मंथ्स हो चुके हैं। वेइंग अब उससे कहती है, और ये बेबी है किसका? वेइंग कहता है, मैं नहीं जानता, मैं उस दिन उससे पहली रात ही मिला था, वो यहाँ का नहीं था। वेइंग उसके शोल्डर्स पर हाथ मारते हुए कहती है, वेइंग ये तुमने क्या कर डाला? अब नेक्स्ट मॉर्निंग वेइंग अल्ट्रासाउंड के लिए जाने वाला था। वेइंग और वेइंग उससे पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले चले जाओगे, तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं है? वेइंग कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, मैं अकेले ही जाकर पता करना चाहता हूँ। वेइंग हॉस्पिटल पहुँचता है और उसकी सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफर उसके पास आकर उससे पूछती है, वेइंग तुम्हें आजकल कैसा फील हो रहा है? वेइंग कहता है, बहुत गंदा, मैं वॉमिटिंग करना बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी खाता हूँ तो वॉमिटिंग हो जाती है। ये सब कब तक चलेगा डॉक्टर? सोनोग्राफर कहती है, शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब देखते हैं कि तुम्हें प्रेग्नेंट हुए कितना समय हो चुका है। वो वेइंग को लेटने के लिए कहती है और उसके बैली पर कुछ जेली जैसा लगाती है। स्क्रीन में वो वेइंग को दिखाते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशंस मिस्टर वेइ, क्या आप देख सकते हैं, आप तो ट्विंस को जन्म देने वाले हैं, आपके अंदर सिर्फ एक बेबी नहीं बल्कि 2 बेबीज़ हैं।
विंग सोनोग्राफी प्रिंट्स लेकर अपने घर आ जाता है और उन्हें डिनर टेबल पर रख देता है, जिससे वेंचिंग और वेंडिंग खुद ही देख लें कि वो ट्विंस को जन्म देने वाला है। क्योंकि वो इस वक्त उन दोनों को फेस नहीं कर पा रहा था, तो वो घर से बाहर आ जाता है। विंग नदी के किनारे बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, पर उसके मन में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो इन बेबीज को अबॉर्ट करा दे। उसका हमेशा से सपना रहा था कि फ्यूचर में उसकी फैमिली हो, उसके बच्चे हों। हालांकि इस तरीके से उसने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उसके मन में ये भी आ रहा था कि वो अभी सिंगल है, वो कैसे बच्चों को खुद पाल पाएगा? अगर वो उनका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया और बच्चे बड़े होकर उससे नफरत करने लगे तो? अभी उसके पास खुद का अपार्टमेंट भी नहीं, वो उन्हें कहाँ रखेगा? वेंचिंग और वेंडिंग तो उसके दोनों बेबीज को पालने में अपनी रात बर्बाद नहीं करेंगे। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्या वो इस बारे में लंजा को बता दे? लंजा को अगर पता भी चलेगा तो वो उसे छोड़कर भाग ही जाएगा, उसे कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है? यही सब सोचते सोचते विंग घर वापस आ जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो वेंचिंग के हाथ में वो सोनोग्राफी प्रिंट्स थे और वो विंग से फिर कहती है, विंग क्या तुम सच में इसको लेकर श्योर हो? विंग उससे कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ। वेंचिंग कहती है, ठीक है, अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं और अनिंग तुम्हारे साथ हैं। विंग कहता है, नहीं, मैं जल्दी ही कोई दूसरा अपार्टमेंट ढूंढ लूँगा जिससे तुम दोनों को कोई परेशानी ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे ट्विन बेबीज तुम्हें डिस्टर्ब करें। वेंचिंग कहती है, विंग क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हमने एक भी बार कहा कि इन बेबीज़ की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाएंगे? हम फ्रेंड्स हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अपनी सिस्टर यानली और जेंगजा को भी इन बेबीज़ के बारे में बताना होगा। विंग कहता है, हाँ वो तो मैंने सोच रखा है, पर मैं अभी नहीं बता सकता। कम से कम मेरी प्रेगनेंसी को 12 वीक्स हो जाएं, उसके बाद मैं उन दोनों को बता दूंगा। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, प्रेगनेंसी विंग के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग होती जा रही थी। उसका मन हमेशा बस सोते रहने का करता था, वो लेज़ी हो गया था, उसे कुछ करने का मन नहीं करता था और वॉमिटिंग होना अभी भी बंद नहीं हुई थी। अगली बार जब वो डॉक्टर से मिलता है तो उनसे पूछता है, मेरी वॉमिटिंग होना कब बंद होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर उसे समझाती है कि धीरे धीरे अपने आप ही ये कम हो जाएगा। जैसे ही 13 वीक्स हो जाते हैं, वेंचिंग उससे कहती है, अब 12 वीक्स हो चुके हैं, तुम्हें अपने सिबलिंग्स को बता देना चाहिए। विंग कहता है, नहीं, मैं उन्हें कैसे फेस करूँगा? वेंचिंग कहती है, तुम्हें फेस करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो तुम फ़ोन पर बता दो। पर विंग ऐसा नहीं कर सकता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और उसे ये जेंगशा और यानली को मिलकर ही बतानी थी। वो यानली को कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट उन दोनों से डिस्कस करना है, और वो यानली के घर मीटिंग रखते हैं। क्योंकि उस दिन जिन जुशिन अपनी मीटिंग से बाहर था, इसलिए जेंगशा, विंग और यानली अकेले घर पर थे। तीनों साथ में डिनर करते हैं। अब यानली विंग से कहती है, तुम हमें क्या बताना चाहते थे विंग? विंग बहुत ज़्यादा घबराने लगता है तो जेंगशा उसे देखकर कहता है, क्या कोई बड़ी बात हो गई है? तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? तुम बता क्यों नहीं देते? विंग कहता है, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद बिल्कुल भी गुस्सा मत करना और ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जेंगशा कहता है, क्या तुमने किसी का मर्डर कर दिया? विंग कहता है, नहीं। जेंगशा पूछता है, क्या कोई बैंक तुमने लूट ली है? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। जेंगशा कहता है, अब बहुत हो रहा है, जल्दी से हमें बताओ क्या बात है। विंग एक सांस में ही कह देता है, ठीक है, मैं 13 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। जेंगशा एकदम से शॉक रह जाता है और अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है, पर यानली विंग का हाथ जेंटली पकड़ती है और उससे कहती है, आइंग ये सब कैसे हुआ और मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? विंग कहता है, शिजे आपको वेंगपेंग याद है ना, जिसके साथ कुछ समय पहले मेरा ब्रेकअप हो गया था? यानली कहती है, ऑफकोर्स मुझे याद है, तो क्या ये उसी का बेबी है? विंग कहता है, नहीं, उस दिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था, मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड की और उस एक घंटे में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। जेंगशा इस बात पर थोड़ा गुस्सा दिखाता है, पर यानली और विंग दोनों ही उसे इग्नोर करते हैं। यानली फिर जेंटली विंग से पूछती है, तुम्हें इस बारे में पता कब चला? विंग कहता है, एक महीना हो चुका है। जेंगशा कहता है, तो अब मुझे समझ आया क्यों तुम्हें उस दिन इतनी वॉमिटिंग हो रही थी। विंग यानली का हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी शिजे, मैं आपको जल्दी नहीं बता पाया, पर यह न्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी।
यानली उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? क्या अभी भी तुम्हें वॉमिटिंग होती है? वुइंग कहता है, हाँ, और मुझे बहुत टायर्ड फील होता है, मैं अपने वर्क पर फोकस ही नहीं कर पाता। यानली कहती है, आशिन, हमें हमारे पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए। वुइंग तुरंत घबराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं शिजे, मैं कैसे उन्हें फेस कर पाऊँगा? मैडम यूँ तो मेरी जान ले लेंगी। मैं अभी ये सब के लिए रेडी नहीं हूँ, प्लीज़ आप अभी उन्हें कुछ मत बताइए। यानली कहती है, ठीक है, हम तभी बताएंगे जब तुम रेडी हो, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ आशियन। वुइंग कहता है, आप भी तो प्रेग्नेंट है शिजे। यानली कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे साथ जिशुन है। क्या तुम्हें पता है बेबी के फादर कहाँ हैं? वुइंग कहता है, ऑनेस्टली वो लोकल का नहीं था, वो किसी और टाउन से था, और हम दोनों के बीच वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, और मैं सिर्फ एक बेबी को जन्म नहीं देने वाला हूँ, मैं ट्विंस को जन्म दे रहा हूँ। शेंगशा और यानली एक बार फिर शॉक्ड रह जाते हैं। समय इसी तरह बीतने लगता है। एक दिन सुबह वुइंग जब जागता है तो वो देखता है कि उसकी बेली धीरे धीरे ग्रो करने लगी है, अब ये नोटिसेबल हो गई है। वर्क पर जाने के बाद जो पहला इंसान जिसने वुइंग की बेली को नोटिस किया था वो थी म्याम्या। पर म्याम्या वुइंग की बहुत अच्छी दोस्त थी, और वुइंग को पता था कि वो किसी से शेयर नहीं करेगी, इसलिए वुइंग भी उसे सारा सच बता देता है। वो दोनों साथ मिलकर लंच के लिए जाते हैं। म्याम्या कुछ टाइम बाद उसे कहती है, मुझे पता है कि ये एक इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, पर ये बेबीज हैं किसके? वुइंग कहता है, मैं इस क्वेश्चन का जवाब देते देते थक चुका हूँ, मैं बस अपने एक्स से मूव ऑन करना चाहता था, तो मैंने किसी रैंडम से गाय के साथ वन नाइट स्टैंड किया, और उसी का ये नतीजा है। म्याम्या को वुइंग के लिए थोड़ी सिंपैथी होती है। वो दोनों कुछ टाइम तक इसी तरह अपना लंच खा रहे होते हैं, तभी अचानक म्याम्या किसी की तरह वेव करते हुए कहती है, लंजा, ओ माय गॉड, क्या ये तुम हो? ये सुनते ही वुइंग के लिए तो जैसे अचानक पूरी दुनिया रुक ही जाती है। अब वो अपने लंच पर फोकस नहीं कर पा रहा था, वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रोजन हो गया था। वो म्याम्या की तरफ ही देख रहा था। म्याम्या हंसने लगती है और उस पर्सन से कहती है, इधर आओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यहाँ हो। वो पर्सन म्याम्या से कहता है, म्याम्या, तुम्हें देखकर खुशी हुई, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था। और ये आवाज़ वुइंग कभी नहीं भूल सकता था। अभी भी उसके कानों में उस पर्सन की वो लो वॉइस गूंज रही थी जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। म्याम्या लंजा को पास बुलाती है और वुइंग की तरफ इंडिकेट करते हुए कहती है, इससे मिलो, ये मेरा कलीग है वुइंग। और वो वुइंग से कहती है, वुइंग, ये मेरा फ्रेंड है लंजा, ये इस सिटी से नहीं है। म्याम्या की वो बात सुनकर वुइंग और वांगजी दोनों ही शॉकिंग स्टेट में थे। वुइंग धीरे धीरे नज़रें उठाकर वांगजी की तरफ देखता है। लंजा आज भी उतना ही ब्यूटीफुल है जितना उस दिन था, इस शॉकिंग स्टेट में भी वो कितना अच्छा लग रहा है, पर वो इस वक्त क्या सोच रहा है कहा नहीं जा सकता, उसका फेस इतना सीरियस जो है। वुइंग ये सब सोचते हुए वांगजी से कहता है, हाय लंजा। वांगजी उससे कहता है, हेलो वुइंग, तुम्हें फिर से देखकर खुशी हुई। तभी म्याम्या कहती है, ग्रेट, तो तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? वांगजी कहता है, हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। और वो वुइंग से कहता है, तुम कैसे हो वुइंग? वुइंग नर्वसली कहता है, मैं ठीक हूँ। पर वांगजी के फोरहेड पर लाइंस बनने लगती हैं जिसे देखकर वुइंग कन्फ्यूज हो जाता है। तभी म्याम्या अपनी वॉच देखते हुए कहती है, मेरा तो वर्क पर जाने का समय हो गया है, लंजा, क्यों ना तुम मेरी जगह बैठ जाओ, मुझे अब चलना चाहिए, और तुम दोनों इतने दिनों बाद मिले हो तो शायद तुम लोगों को आपस में बातें भी करनी होंगी। वुइंग मन में सोचने लगता है, ये म्याम्या क्या कर रही है, क्या ये पागल हो गई है? तभी वांगजी कहता है, श्योर, मैं बिल्कुल यहाँ बैठूंगा अगर वुइंग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। म्याम्या कहती है, नहीं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम दोनों साथ में एंजॉय करो, वुइंग, मैं तुमसे ऑफिस में मिलूंगी। अब वहाँ केवल वुइंग और वांगजी बैठे थे, दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। तभी वांगजी उन दोनों के बीच के साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहता है, मैं खुश हूँ वुइंग, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमसे फिर से मिलने का मौका मिला। वुइंग को इस पूरी सिचुएशन पर बहुत हंसी आ रही थी, खुद पर हंसी आ रही थी। वो अभी उस इंसान के सामने बैठा हुआ था जिसके ट्विन बेबीज़ को वो कैरी किए हुए था। वुइंग को इस तरह हंसता हुआ देखकर वांगजी उससे कहता है, वुइंग, क्या हुआ? वुइंग तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं तुम पर बिल्कुल नहीं हंस रहा हूँ, मैं तो बस इस पूरी सिचुएशन पर हंस रहा हूँ, खुद पर हंस रहा हूँ,
वांगजू उससे पूछता है, सिचुएशन कैसी सिचुएशन? वुइंग मन में सोचने लगता है, मुझे उसे सब कुछ बताना होगा, ये उसका हक है, आखिरकार ये ट्विन बेबीज उसके हैं, उसके बाद चाहे वो भागी क्यों ना जाए। ऐसा सोचकर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, लंजा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो अपनी बेली पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं ट्विन बेबीज को जन्म देने वाला हूँ और ये तुम्हारे बेबीज हैं। ओके गाइज, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। तो ये सुनने के बाद वांगजी का क्या रिएक्शन रहेगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।